तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, जैसा कि आपने सुना होगा नथिंग फोन के बारे में, जो कि आज की डेट में बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग चल रहा है। अभी आने से पहले ही उसका बहुत ज्यादा लोग ट्रेंडिंग में आ चुका है। मतलब कि हर किसी के मुंह में अगर आपको कोई मोबाइल लेना हो या फिर कुछ भी हो, अगर आप उससे पूछेंगे नए मोबाइल के बारे में, तो सबसे पहले आपको नथिंग मोबाइल के बारे में बताएगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा अभी पॉपुलर हो चुका है, अभी आने से पहले ट्रेंडिंग में आ चुका है। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ उसका जो पहला मोबाइल लॉन्च होने वाला नथिंग फोन 1 के बारे में, फुल स्पेसिफिकेशन बताने वाला हूँ और ये कब लॉन्च होने वाला है आगे आपको पूरा वीडियो में बताने वाला हूँ दोस्तों। तो वीडियो उसके मत करिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा तो ये आप समझ पाएंगे। तो चलते हैं आगे। मेरा नाम सनियर है और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज यार मेरे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आगे अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक करना भी ना भूलें। तो आगे चलते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले एक चीज बता दूं, ये लॉन्च होने वाला है 12 जुलाई को। प्री लॉन्चिंग हो रही है, बोल सकते हैं प्री ऑर्डर अभी चालू हो चुके हैं। फ्लिपकार्ट के अंदर आप जाएंगे तो आप इसमें प्री ऑर्डर कर सकते हैं। अभी ये 12 जुलाई को ऑफिशियली पूरी तरह से लॉन्च हो जाएगा। इसके अंदर आपको बता दूं, जो इसके अंदर की बता दूं क्या स्पेसिफिकेशन है। सबसे पहले बता दूं जो इसका प्रोसेसर रहेगा, जो अभी नया ट्रेंडिंग या बोल सकते हैं जो अभी नॉर्मल मोबाइल्स में अभी आ रहा है लेटेस्ट में, वो स्नैपड्रैगन 778G का इसमें आपको प्रोसेसर मिलने वाला है। और इसके अंदर की जो आपको बैटरी मिलने वाली है 4500mAh की इसमें बैटरी मिलने वाली है। तो जो इसकी बैटरी रहेगी 4500mAh की आपको बैटरी मिलेगी, जो कि 45W के आप चार्जर से उसको चार्ज करेंगे तो लगभग आधे घंटे में आपकी 50% की चार्ज भी हो जाएगा। साथ में इसमें आपको पीछे दो कैमरे दिए हुए, जैसा कि आपने इसकी वो देखा ही होगा, इसका लेआउट देखा होगा, मैं आपको दिखा भी रहा हूँ। ये लेआउट आपको ऐसा दिखेगा, पीछे से बैक कवर आपका पूरा जो बैक रहेगा पूरा ट्रांसपेरेंट रहेगा, ऊपर ग्लास लगा रहेगा आपको पूरा पीछे लगा, पीछे से अलग दिखेगा अंदर की तरफ, और उसमें लाइटिंग भी अच्छी खासी वहां पर लगी हुई है। एक चीज और बता दूं दोस्तों, जो बैटरी है, बैटरी के अंदर दोस्तों यहां पर क्या है, वो वायरलेस चार्जर भी सपोर्ट करती है और रिवर्स वायरलेस चार्ज। मतलब कि अगर आपके पास कोई डिवाइस है, लाइक मेरी वॉच है, ये वायरलेस चार्जर है, वायरलेस चार्जर से चार्ज हो सकती है, तो अगर मेरे पास अगर नथिंग मोबाइल होगा तो मैं उसके थ्रू अपनी वॉच को भी चार्ज कर सकता हूं। मतलब रिवर्स चार्जिंग का भी काम वाला करने वाला है। वहां पर आपको दो कैमरे उसमें मिलने वाले हैं, जो कि सबसे पहला जो कैमरा है या बोल सकते हैं बैक जो मेन कैमरा है वो है 50 मेगापिक्सल का कैमरा है, और साथ में अल्ट्रा वाइड एंगल का 16 का उसमें कैमरे को इनबिल्ट किया गया है, जैसा कि आप देख रहे हैं मैं आपको लेआउट दिखा रहा हूं। और जो फ्रंट में कैमरा दिया गया है 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा वहां पर दिया गया है। ये जो फोन है 5G में लॉन्च होने वाला है और ये एंड्रॉइड 12 बेस होने वाला है, पूरा प्योर एंड्रॉइड के उसमें रहने वाला है ये वाला। इसमें कोई भी आप एड ऑन, मतलब जैसे क्या होता है, जैसे कि जैसे सैमसंग है, सैमसंग का खुद का वन UI होता है या फिर और दूसरे होते हैं, फिलहाल अभी इसको बोला गया है कि ये सिर्फ स्टॉक एंड्रॉइड में इसको लॉन्च करेंगे। सिर्फ इसमें एक लॉन्चर दिया जाएगा, वो भी नथिंग लॉन्चर एड ऑन किया जाएगा। ये फिलहाल एंड्रॉइड के लिए भी रोल आउट कर दिया गया है। मेन चीज क्या बताऊं, इस मोबाइल की जो खासियत ये है, इस मोबाइल को जिसने डिजाइन कराया, जिस कंपनी ने बनाया है, वो वन प्लस की पहले MD थे, CEO थे कार्ल ने, अब उन्होंने छोड़ के अपनी खुद की कंपनी इसको बना लिया है नथिंग का। इसका पहला प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था TWS, उन्होंने लॉन्च करा था ईयरबड का, अब उन्होंने अपना सेकेंड मोबाइल इसको लॉन्च करने वाले, ये 12 जुलाई को लॉन्च होने वाला है। और सबसे खास बात दोस्तों, जो उसकी प्राइस रखी गई है इंडिया में, इसकी प्राइस लगभग 30 के आसपास आने वाला है। इसमें आपको वेरिएंट मिल जाएंगे, 8GB वेरिएंट, 12GB वेरिएंट, 128GB वेरिएंट और 256GB का वेरिएंट भी मे बी आने वाला है। जो इसका प्राइस है अप्रॉक्स 30-35,000 के बीच में ही होने वाला है, इससे अबव मेरे हिसाब से नहीं होगा। तो बहुत ही कमाल का ये वाला मोबाइल आने वाला है। अब आने के बाद देखेंगे इसकी क्या कैपेसिटी और क्या चलने का प्रोसेस है, बट ये एक चीज तो कह सकते हैं, आने से पहले उसने पूरी मोबाइल मार्केट में, हो सकते हैं टेक्निकल मार्केट में धूम तो मचा रखी है हर किसी में। आप अगर आप वीडियो सर्च मारेंगे यूट्यूब पे तो आपको बड़े से बड़े यूट्यूबर ने नथिंग के बारे में आपको जरूर बताया होगा, क्योंकि उसने आने से पहले ही अपनी टेक्नोलॉजी मोबाइल की उसमें इंडस्ट्री में धूम मचा के रखा है। इसका सबसे मेन चीज ये है कि इनका कहना है ये जो मेरा कंपटीशन रहेगा, एप्पल के थ्रू ही कंपटीशन रहने वाला है और किसी मेरे हैंडसेट से कोई कंपटीशन नहीं है, बट ये मेरे को लगता है कि आने वाले टाइम पे ये वन प्लस को रिप्लेस जरूर कर सकता है, क्योंकि वन प्लस को टक्कर देने के लिए इसको बनाया गया है। दोस्तों जो नथिंग फोन का जो साइज है 6.55 इंच का रहने वाला है। मेन चीज इसमें एक चीज ये है, जो उसमें फिंगरप्रिंट सेंसर होने वाला है वो आपको साइड में मिलने वाला है, मतलब कि जो साइड की होती है यहाँ पर आपको फिंगरप्रिंट सेंसर मिलने वाला है। फ्रंट इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट उसमें नहीं रहेगा, उसमें साइड में आपको वहां पर फिंगरप्रिंट मिलने वाला है।
तो दोस्तों मैं एक चीज बताना चाहूंगा, मुझे तो ये जो उसका जो फोन है अभी मेरे हाथ में तो आया नहीं है, बाकी जो उसकी स्पेसिफिकेशन पढ़ के और जो मैंने इसको देखा थोड़ा बहुत, मुझे तो यार ये हैंडसेट बहुत सही लगने वाला है। आने के बाद देखते हैं दोस्तों ये क्या होता है, कैसा रहता है मोबाइल। और सबसे जरूरी चीज दोस्तों, अगर आपकी मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज यार लाइक जरूर करें। इस मोबाइल का जो साइज है 6.55 इंच का साइज है, इसका जो रेशो रहेगा इसका क्या बोलते हैं स्क्रीन का जो रेशो रहेगा 1080x2500 का इसमें रेशो लेने वाला है। और साथ में सबसे मेन चीज जो इसका वेरिएंट आने वाले हैं 8GB वेरिएंट है, मतलब 8GB वेरिएंट से स्टार्ट होने वाला है, 8GB 128GB का बेसिक वेरिएंट होने वाला है, उसके बाद वो वेरिएंट वहां पर चेंज होने वाले हैं। वेरिएंट कहां तक चेंज होते हैं अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है। और इसकी जो रेंज होने वाली है 32-35,000 के बीच में ये रेंज होने वाली है इंडिया में। ये जो कंपनी है यूके बेस्ड कंपनी है, कोई चाइनीज कंपनी नहीं है, यूके बेस्ड कंपनी है, तो हो सकता है ये आने वाले टाइम पे मार्केट में धमाल मचा दे। फिलहाल अभी कोई ऑफलाइन तो अभी इंडिया में लॉन्च नहीं होने वाला, ये सिर्फ ऑनलाइन लॉन्च होने वाला है, वो भी फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पे। अगर आप अभी चाहें तो वहां पर प्री ऑर्डर कर सकते हैं, वहां पर आपको वेटिंग लिस्ट मिल जाएगी। जब आप उसको मान लो आप जब प्री ऑर्डर करने जाएंगे तो आपको 2000 रुपये देने पड़ेंगे, जब आप उसको बाय करेंगे तो आपके 2000 वहां माइनस हो जाएंगे। बट वो कब होगा, क्योंकि वेटिंग लिस्ट बहुत ज्यादा लंबी है, अगर आप वहां देखेंगे तो बहुत ज्यादा नंबर ऑफ वेटिंग लिस्ट आपको वहां मिलने वाली है। दोस्तों ये जो प्रोडक्ट है मुझे तो बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने आपको स्पेसिफिकेशन बताई इसकी। उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो थैंक यू दोस्तों। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक जरूर करना। और सबसे जरूरी चीज दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार चैनल सब्सक्राइब करना तो ना भूलें, और साथ में जो नोटिफिकेशन वाला दिख रहा है ना बगल में उसको दबाना भी ना भूलें, और हो सके तो इंस्टाग्राम फेसबुक फॉलो करना भी ना भूलें, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।